अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस रिपोर्ट में, इस पूरे वीडियो में बात करने वाली हूँ एक्टर सैफ अली खान की एक्स वाइफ रह चुकी अमृता सिंह के बारे में। अमृता सिंह और सैफ अली खान के प्यार के रिश्ते में अगर पहले आपको बता दी चलूं तो यहाँ पर जिस तरीके से 90 के दशक में उनका खासा नाम चलता था, खासा चर्चा उनकी थी, सभी लोग उनके दीवाने थे। तो आपको बताते चले, जब सैफ अली खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उससे पहले अमृता सिंह का खास दबदबा बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑलरेडी था। और आपको बताते चले तो सैफ अली खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डब कराने वाली भी कोई और नहीं बल्कि अमृता सिंह ही रही। अमृता सिंह हर कदम पर सैफ अली खान के साथ खड़ी रही। वहीं पर उन दोनों के उम्र की बात की जाए तो सैफ अली खान से काफी ज्यादा उम्र की अमृता सिंह थी, लेकिन उस दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। सैफ अली खान को अमृता सिंह भाग गई तो वहीं अमृता सिंह को सैफ अली खान भाग गए। इन दोनों के बीच प्यार की कहानी शुरू हुई और इस कदर शुरू हुई कि वो शादी के मुकाम तक पहुंच गए। जी हाँ, सैफ अली खान और अमृता सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधे और जब वो बंधे तो सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री चकित रह गई, क्योंकि यहाँ पर उम्र का फासला इतना था लेकिन उनका प्यार जो है परवान चढ़ चुका था। इस तरीके से उनकी शादीशुदा जिंदगी चली। पहले काफी अच्छी जिंदगी चली, उसके बाद उन्होंने बेटे इब्राहिम को जन्म दिया तो वहीं सारा अली खान को भी जन्म दिया, यानी कि उनके एक बेटा और एक बेटी। लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर 16 साल की शादी उनकी टूट गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 9 साल की सिर्फ उम्र की थी सारा अली खान जब उनके माता पिता सैफ अली खान और अमृता सिंह एक दूसरे से अलग हो गए। इसी बीच यहाँ पर कई कयास लगाए गए सैफ अली खान का किसी और औरत यानी कि करीना कपूर के साथ अफेयर की चर्चा तुल पकड़ने लगी। तो वहीं अमृता सिंह आज भी सिंगल मदर हैं, लेकिन सैफ अली खान ने दूसरी शादी रचाई करीना कपूर के साथ और आज उनके करीना कपूर से भी दो बेटे तैमूर और जय अली खान आप सभी को नजर आते रहते हैं। तो इसी बीच यहाँ पर बात करते चले अमृता सिंह के बारे में, तो अमृता सिंह सिंगल मदर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके भी अफेयर के किस्से किसी और के साथ मशहूर होने लगे थे। जी हाँ, अमृता सिंह शादीशुदा थी और उसके बावजूद उनसे जो एक्टर शादी करना चाहते थे वो थे एक्टर सनी देओल, यानी कि बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल का दिल आ चुका था अमृता सिंह पर। लेकिन अमृता ने उस वक्त सैफ अली खान से शादी रचवा ली थी, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी काफी हसीन पलों के साथ जी रही थी। लेकिन सनी देओल ने जब उन देखा कि वो शादीशुदा है तो उसके बाद उनका अफेयर कुछ खास नहीं चल पाया। तो इस तरीके की लाइफ यहाँ पर अमृता सिंह और सैफ अली खान की रही। और अब यहाँ पर अमृता सिंह अपने दोनों बच्चों को संभालती है तो सैफ अली खान अपने दूसरे परिवार में सुखी सुखी रहते हैं। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।